चोर और चोर का साथी एक साथ, हम चारों शरीर एक साथ। खुशी होती है आप लोगों को एक साथ इकट्ठे देखकर। क्या प्लानिंग कर रहे हो? लेकिन जिस तरह दुनिया के सामने इत्तेफाक से रहते हो, इस तरह इकट्ठे होके अल्लाह की राह में निकल जाए, एक दूसरे के काम आया करो। अल्लाह ताला कोई फरिश्ता नहीं भेजेगा, अल्लाह ताला इंसानों से एक दूसरे के काम करवाते हैं, एक दूसरे के काम किया। लो बड़ी भी फिर आ गई बेटे को लेकर, मैंने मना भी किया था। थोड़ा भी जरा दिखाई, आप लोग जानते हैं क्या है? क्या है ये? वो फाइल है जिसमें आप सबका मुस्तकबिल है, जिस शाजिया की आप हमेशा बुराई करते रहे, उसकी गीबत करते रहे, उस पर बोहतान लगाते रहे, उसी शाजिया ने आज आपकी ये जमीन, आपके घर और आपके रोजगार के ठिकानों को बचा लिया, ना सिर्फ बचा लिया, उन्हें आपके नाम पे मुस्तकिल ट्रांसफर भी करवा दिया। और जिस दौरा आप ही को आप हर वक्त बुरा भला कहते रहते थे, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी केस की पैरवी की, बल्कि पैसा भी लगाया, पानी की तरह पैसा बहाया कोर्ट के अंदर, ताकि फैसला आपके हक में आ जाए। आपने क्या दिया इन्हें सिवाय जिल्लत और रुसवाई के? मौलवी साहब जरा बताइए इन्हें, बताइए इन्हें कि गीबत करने वाले के लिए अल्लाह का क्या हुक्म है? और इन लोगों ने तो बिल्कुल वैसे ही किया, किसी का घर बसने से पहले ही उसे उजाड़ दिया। हमेशा इन लोगों को बताता रहा कि गीबत मत करो, पीठ पीछे किसी की बुराई मत करो, गीबत बहुत बड़ा गुनाह है, जना और शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है। अगर शैतान तुमको ऐसा उजाड़े था तो वो यही कहता कि आओ मेरे काम करो, आओ घूंघू पहन के नाचो, और तुमको गीबत के अंदर फंसा दे, और तुम इस गीबत के अंदर फंसते ही चले जाओ। मना करता रहा कि गीबत ना करो, ना करो गीबत एक दूसरे की, पीठ पीछे बुराई मत करो। अब भी ये गीबत करना छोड़ दो, पीठ पीछे किसी की बुराई करना छोड़ दो, अल्लाह के लिए छोड़ दो। जी मौलवी साहब, मैं तो खुद एक औरत हूँ और मुझे पता होना चाहिए कि औरत की इज्जत क्या होती है, समाजे में औरत की बुराई वाली बात किस कदर असर रखती है। मुझे माफ कर दीजिए मौलवी साहब। हम हमें माफ कर दे, हम गीबत के नशे में पागल हो गए थे, इतना बड़ा गुनाह कर बैठे थे। अरे भाई पिया, हम तो लोगों की बीमारियों का इलाज करते रहे और ये भूल गए कि इतनी बड़ी बीमारी गीबत हमारे ही अंदर पनप रही है और हमें मालूम ही नहीं। भाई हमको भी माफ कर दीजिए, हमको भी माफ कर दीजिए। माफी काबिल तो नहीं है मौलाना साहब, और हम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं। शाजिया बहन और दौरा बहन, हमें माफ कर दीजिए, आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया और हम आपके बारे में क्या सोचते हैं। जिसके पीछे बुराई की है उससे माफी मांगो, वो माफ करेगा तो तुम्हारी फलाफी होगी। मैं भी अपने किए पर शर्मिंदा हूँ।